दोस्तों वीवो की तरफ से एक नया डिवाइस वीवो Y72 5G 15 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। ये स्मार्टफोन वीवो की तरफ से आने वाला इस महीने का अब तक का एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन बताया जा रहा है। और अगर आप भी वीवो के कोई स्मार्टफोन लेना चाहते थे और अभी तक नहीं लिया था तो एक बार इसे जरूर कंसिडर करना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी वीवो Y72 5G के बारे में कि क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है, वो भी कन्फर्म्ड रूप से। साथ में यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी और भी जानेंगे बहुत कुछ डिटेल्स। तो चैनल पर नए हो या आज पहली बार सुन रहे हो तो भाई की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक कर देना वीडियो को, साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिले। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे वीडियो। दोस्तों यहाँ पे टेक टिप्सटर योगेश ने प्रोवाइडेड किया है इसका जो ऑफिशियल पोस्टर है जहाँ पे आपको बैंक ऑफर्स भी दिख रहे हैं। तो इस स्मार्टफोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन कन्फर्म्ड हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में एक 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले विद फुल HD प्लस रिजोल्यूशन यानी 2408x2080 LCD पैनल के साथ देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। और जो इसका बैक साइड है वो ग्लॉसी ग्रेडियंट बैक फिनिश के साथ आएगी जहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिलेगा स्क्वायर मॉड्यूल में। तो डिजाइन के मामले में मुझे ये एक अच्छा स्मार्टफोन लगा है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कोर स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस को लेके। तो MediaTek के Dimensity 700 का 5G SoC इसमें देखने को मिलने वाला है जो कि आएगा 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के सपोर्ट के साथ। यहाँ पे आपको 610 का GPU देखने को मिलेगा जो कि आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी इनहेंस करने वाला है। तो Dimensity 700 ऑन एन एवरेज एक अच्छा चिपसेट है MediaTek की तरफ से, तो गेमिंग के भी मामले में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें इसके कैमरा मॉड्यूल को लेके। तो रियर साइड में जैसा मैंने बताया ट्रिपल रियर कैमरा का हाउसिंग देखने को मिलने वाला है जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा जो कि आएगा 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। साथ में 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात कर लें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फॉर वीडियो चैट्स एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो जैसा कि वीवो अपने कैमरे के लिए जानी जाती है, विद इन 20,000 ये स्मार्टफोन इस कैमरा के रूप में मुझे लगता है कि एक अच्छा डिवाइस कहा जा सकता है। वहीं इसके बैटरी सेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी 18W के चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। बिकॉज 18W एक फास्ट चार्जिंग अब नहीं रहा, नॉर्मल चार्जर भी 18W ही रहता है तो बैटरी चार्ज करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। और वहीं इसमें एंड्रॉइड फीचर्स में लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 फोन टच ओएस 11.1 के कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे साथ में आपको अलग से वाईफाई 5G ब्लूटूथ 5.1 और टाइप सी पोर्ट हाइब्रिड सिम स्लॉट और भी सारे बहुत कुछ अदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इस डिवाइस को बाय करते हो अपने HDFC ICICI या फिर कोटक बैंक के कार्ड से तो यहाँ पे आपको फ्लैट 1500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि कंपनी ने ये ऑफर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सेल आउट होने के लिए ही दिया है। और जो प्राइस है अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेड बात करूं तो विद इन 20,000 यहाँ पे अभी तक बताया जा रहा है जितने भी न्यूज सोर्सेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 16,000 से 17,000 में इसका जो बेस मॉडल है ये आना चाहिए। अदरवाइज इसके भी कॉम्पिटिशन में बहुत सारे स्मार्टफोन है जो इससे अच्छा फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, तो डेफिनेटली लोग उसे ही बाई करेंगे। तो यहाँ पे 16 से 17 तक अगर ये आएगा तो एक बेस्ट स्मार्टफोन वीवो की तरफ से आप कह सकते हो। यहाँ पे साथ ही में कलर वेरिएंट में 2 कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, ड्रीम ग्लो एंड ग्रेफाइट ब्लैक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 15 जुलाई के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर आपको ये स्मार्टफोन अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।